इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होती है सारा। सारा हर पल ही अपने पिता के मीट शॉप में रहा करती थी या वो घर पे रहा करती थी। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और वो घर के अंदर से ही हर पल ही बाहर कुछ लड़के लड़कियों को देखा करती थी। वो जाके उनसे मिलना जुलना तो चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, कारण वो बहुत ज्यादा मोटी थी और बाहर सभी उसको इस मोटे शरीर के लिए बेइज्जत किया करते थे, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इसी कारण से सारा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो बाहर नहीं जाती और किसी से भी मिला नहीं करती थी। अब एक लड़की थी क्लॉडिया, जिसकी माँ उसे सारा के शॉप में मीट खरीदने भेजती है। ये लड़की पीठ पीछे सारा को जलील किया करती थी। सारा ने अपने फैमिली के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी और इसी पिक्चर के ऊपर इस लड़की ने बहुत बुरे बुरे कमेंट किए थे और तब से ही ये लड़की क्लॉडिया और इसके ग्रुप को सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब एक दोपहर सारा स्विमिंग करने के लिए जा रही थी और दोपहर में इसी कारण से कि कोई भी उसे देख ना ले और उसे डिस्टर्ब ना करे। अब सारा चेंजिंग रूम में जाती है और चेंज कर लेती है। इसके बाद वो पूल में जाने ही वाली थी तभी वो पूल में एक व्यक्ति को देखता है। इसके बाद वहाँ क्लॉडिया और उसके दोस्त आ जाते हैं जो सारा को बहुत ज़्यादा जलील करते हैं और उसे इंसल्ट करते हैं। और स्विमिंग पूल पे जो व्यक्ति था उसे सारा का बॉयफ्रेंड कहते हैं और सारा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। अब यहाँ ये व्यक्ति बेइज्जत होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। सारा पानी में जाती है और सारा को और ज़्यादा जलील करने के लिए ये लोग सारा के ऊपर नेट फेंकते हैं। सारा का दम घोट रहा था इसी कारण से सारा पानी के अंदर डुबकी लगाती है तो हम पानी के अंदर एक डेड बॉडी को देख पाते हैं। और यहाँ हम जान पाते हैं जो व्यक्ति अभी ही पानी से बाहर गया ये व्यक्ति एक साइको किलर था। अब क्लॉडिया और उसके दोस्त सारा के सारे कपड़े लेके वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी सारा हाफ नेकेड हालात में घर की तरफ जाने लगती है। यहाँ उसे रास्ते में कुछ लड़के पकड़ लेते हैं जो उसे बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। अब सारा घर जाने के लिए जंगल वाला रास्ता लेती है, कारण वो रास्ता हर पल ही खाली रहता था। अब सारा को इस जंगल में एक वैन दिखती है और ये वैन थी उसी साइको किलर की जिसमें उसने क्लॉडिया और उसके दोस्त को बंदी बना रखा था। क्लॉडिया सारा से मदद मांगती है। सारा यहाँ बहुत ज्यादा डरी हुई थी और सारा का ये डर देख के किलर सारा के लिए एक टावल छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब सारा उसी टावल को पहन के बड़ी ही कस से घर आती है। अब नेक्स्ट डे सारा का पिता सारा को कुछ सामान खरीदने भेजता है। यहाँ सारा कुछ चॉकलेट खरीदनी चाहती थी पर उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, इसी कारण से वो चॉकलेट नहीं खरीद पाती। और ये सब कुछ वो साइको किलर नोटिस कर रहा था। वो सारा के लिए चॉकलेट खरीदता है। दरअसल ये साइको किलर सारा के प्रेम में पड़ गया था, वो सारा को चाहने लगा था। अब रास्ते में सारा की माँ मिलती है। सारा की माँ सारा को लेके स्विमिंग पूल के वहाँ जाती है, कारण उन्हें पता लगा है वहाँ किसी की डेड बॉडी मिली है। अब वहाँ पुलिस से सारा की माँ को पता लगा कि ये खून दोपहर को हुआ है, तो सारा की माँ पुलिस से कहती है सारा उस दिन दोपहर को यहाँ आई थी, इससे पूछो इसे कुछ पता होगी। यह सारा कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। जब उसकी माँ फोर्स करने लगी तो सारा गुस्से में कहती है उसने उस दिन पूल में नहीं आई थी, वो गई थी नदी पे नहाने। और क्लॉडिया और उसके दोस्त उसे पिगी बोल के चिढ़ाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। अब यह सब सुन के सारा की माँ को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा के घर क्लॉडिया की माँ आती है। क्या तुमने क्लॉडिया को देखा है, वो मिसिंग है। तो सारा की माँ क्लॉडिया की माँ को बेइज्जत करती है और कहती है तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलके मेरी बेटी को छेड़ती है, उसे पिक कहती है, उसे डिस्टर्ब करती है। सारा की माँ क्लॉडिया की माँ को जलील करके वहाँ से दफा कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है जिस दिन स्विमिंग पूल से क्लॉडिया के दोस्तों ने
सारा के बैग को लेके भागी थी उस दिन। सारा के बैग में सारा का मोबाइल था। अब उस मोबाइल को ढूंढने के लिए सारा रात को अपने पिता का मोबाइल लेके जंगल की ओर जाती है। वहाँ बहुत ढूंढने के बाद सारा को अपना फोन मिलता है। अब सारा वहाँ से भागने ही वाली थी, तभी उसके सामने वो किलर आ जाता है जो सारा को लेके एक टूटी हुई घर में जाता है। वो वहाँ सारा को किस करने ही जा रहा था कि तभी वहाँ क्लॉडिया की माँ और कुछ लोग आ जाते हैं जो क्लॉडिया को तलाश कर रहे थे। यहाँ किलर भाग जाता है और सारा बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से भागते हुए घर आती है। इसके बाद सारा फ्रेश होके बेड पे जाती है सोने के लिए, तभी उसके घर के बाहर क्लॉडिया का मेल बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जो सारा को नीचे बुलाता है। वो लड़का सारा के सामने हाथ जोड़ता है और मिन्नतें करता है कि अब तुम ही बस हो जो मुझे बचा सकते हो, कारण जब से क्लॉडिया गुम हुई है उसकी माँ तब से मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है उसके किडनैप होने का। और लास्ट टाइम क्लॉडिया को तुमने ही देखा था, कारण वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे जिसका वीडियो वो लोग मुझे भेजे थे, मैंने देखा था। तो अब सब कुछ बताओ क्या मजा है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी क्लॉडिया के किडनैप के इल्जाम में। यहाँ सारा कहती है, देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस वो लोग मुझे स्विमिंग पूल में बुली कर रहे थे, इसके बाद मुझे अदनंगी हालात में घर पे आना पड़ा। उनकी बातें चल ही रही थी तभी वहाँ क्लॉडिया की माँ आ जाती है जो क्लॉडिया के मेल बेस्ट फ्रेंड को इल्ज़ाम दे रही थी क्लॉडिया के गायब होने का। वही सारा की माँ को कपड़े धोते वक्त वही टॉवल मिलता है जिस टॉवल को पहन के सारा घर आई थी, और उस टॉवल पे खून लगे हुए थे। और ये देख के सारा की माँ समझ जाती है सारा कुछ तो जानती है जो वो नहीं बता रही है। अब बाहर चीख की आवाज़ सुन के सारा की माँ बाहर जाती है और सारा को वहाँ से प्रोटेक्ट करके घर में ले आ रही थी, तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। अब पूछताछ के लिए सारा और उसकी माँ को थाने ले जाया जाता है। यहाँ सारा से पूछा जाता है तो वो वही बात कहती है, क्लॉडिया और उसके दोस्तों ने सारा को बुली किया, फिर सारा हाफ नेकेड हालात में घर पे आई। इसके बाद पुलिस चीफ उसे धमकाने लगते हैं। यहाँ सारा डर जाती है और सच बताने ही वाली थी, तभी उसकी माँ सारा को रोक देती है और कहती है, अब मेरी बेटी कुछ भी नहीं कहेगी, जो कहेगी अपने वकील के सामने। ये सुन के मजबूरन पुलिस को छोड़ना पड़ता है सारा को। अब देखते हैं किलर सारा के घर पे आ गया था जो सारा के पिता को पीट रहा था। अब सारा की माँ और सारा घर आती है। यहाँ सारा की माँ वो टॉवल दिखा के सारा से पूछती है, ये टॉवल किसका है, ये तो तुम्हारा नहीं है, और इस पे खून किसका। तो सारा गुस्सा हो जाती है और कहती, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप बार बार मुझे डांटा करती है। दोनों में बहुत जोर झगड़ा हो रहा था तभी ऊपर से किलर नीचे आता है जो सारा की माँ को मारता है और सारा को शांत करता है। इसके बाद सारा की भाई की आवाज़ आती है तो किलर चाकू लेके भाई को मारने जाता है, पर सारा उसे रोक देती है। अब किलर सारा को लेके वहाँ से चला जाता है और इसी सफर में सारा को समझने में देर नहीं होती कि किलर उसे पसंद करता है। अब सारा को इतने करीब पाके किलर का ध्यान भटकता है और एक भैंस के साथ कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद किलर सारा को उठा के अपने अड्डे पे ले आता है और उसकी फास्ट एड करता है। अब अगले दिन जब सारा को होश आती है तो वहाँ किलर नहीं था। सारा जब उस जगह को अच्छे से देखती है तो वो यहाँ देख पाती है उसके दोस्तों को यहाँ बांध के रखा गया था। सारा अपने दोस्तों को देख के बहुत खुश होती है और उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ किलर आ जाता है जो बड़ी ही प्यार से सारा को पकड़ता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो सारा को नहीं मारेगा। वो सारा से कहता है, देखो इनको, यही है तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन, ये तुम्हें हर पल ही बुली करते रहते हैं, तुम्हें बेइज्जत करते हैं, और अब तुम इनको सजा दोगे, यही इनके लिए अच्छा होगा। ये कह के वो सारा के हाथ पे एक चाकू देता है। सारा बड़ी ही गुस्से से देखती है और चिंतन करने के बाद वो उस चाकू से किलर को मारने की कोशिश करती है, पर किलर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे मार के गिरा देता है।
अब किलर बंदूक लेके सारा को मारने जाता है तो सारा किलर के पेट पे चाकू चला देती है। किलर का निशाना बिगड़ता है और क्लॉडिया के हाथ पे लगता है। क्लॉडिया दर्द से छटपटा रही थी। इसके बाद सारा गुस्से में किलर के गले को अपने दांतों से काटने लगती है और काट काट के वो किलर को जान से मार डालती है। इसके बाद वो बंदूक उठाती है और क्लॉडिया के दोस्त के ऊपर शूट करती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वो क्लॉडिया के ऊपर गन पॉइंट करती है। यहाँ क्लॉडिया माफ़ी मांग रही थी और मिन्नतें कर रही थी कि सारा उसे बख्श दे, पर सारा उसके ऊपर भी गोली चलाती है। अब बंदूक को फेंक के वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारा ने उन पे नहीं उनके रस्सियों पे शूट किया था ताकि वो लोग आज़ाद हो सके। अब वो लोग आज़ाद थे और सारा का शुक्रगुजार भी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने सारा को बुली करके कितना गलत और घटिया काम किया है। अब हम देखते हैं सारा खून में लथपथ रोड पे आती है और यहाँ क्लॉडिया का मेल फ्रेंड जा रहा था जो सारा को देख के ये समझ जाता है सारा के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, तो वो सारा को घर तक छोड़ने का कहता है। सारा उसके बाइक पे बैठती है और वो सारा को घर ले जा रहा था और यहीं पे ये मूवी अंत हो जाती है।